अच्छा देखिए, मैं जो एम जोनर मैंने कहा आपको कि मैंने जीरो इन्वेस्टमेंट के साथ स्टार्ट किया है, ये स्टार्टअप की जो डेफिनेशन मैंने आपको बताई ना, उसके लिहाज से दिस इज नॉट अ स्टार्टअप, दिस इज अ बिजनेस, ठीक है ना, कि जिसमें अमेजोन की पीपीसी जो है वो 2014 से चल रही है, 2014 से लोग अमेजोन की पीपीसी जो है ना वो प्रोवाइड कर रहे हैं, 2015-17 मैंने तो 2018-19 में स्टार्ट किया, तो उससे पहले चीज तो चल रही है ना। तो अगर इस डेफिनेशन के लिहाज से बात की जाए तो ये एक ट्रेडिशनल बिजनेस था सर्विस प्रोवाइड करने का, जो कि हमने डिजिटल सर्विस प्रोवाइड की, ठीक है। बट स्टार्टअप की डेफिनेशन में देखा जाए तो दिस इज नॉट अ स्टार्टअप, ठीक है। रही बात आपने इन्वेस्टमेंट की जो बात कही है, स्टार्टअप की जो इन्वेस्टमेंट होती है ना, उस पर भी बड़ा अच्छा एक मेरे पास पॉइंट है। एक गलती बच्चे ज्यादातर स्टार्टअप में आपने देखा होगा, यंग जनरेशन होती है, ठीक है ना, वो लोग गलती क्या करते हैं, वो लोग एक सक्सेसफुल प्रोडक्ट या बिजनेस मॉडल क्रिएट नहीं करते, उनको बस एक आइडिया होता है, थोड़ा बहुत उनको नंबर्स और उनको जो है ना वर्ड सिखाए जाते हैं, उनको अवार्ड में पिच करना, अवार्ड लेना सिखाया जाता है, ना कि प्रोडक्ट के मॉडल के ऊपर या बिजनेस मॉडल के ऊपर काम करना सिखाया जाता है। एक परफेक्ट बिजनेस मॉडल बनाना और उसके थ्रू मार्केट को टेस्ट करना कि यार पीपल, वेदर पीपल आर विलिंग टू पे फॉर योर प्रोडक्ट और सर्विस और नॉट, ये चीज नहीं करते वो, सिर्फ एक आइडिया की बेस पे जो है वो इन्वेस्टमेंट रेज करते हैं। दिस इज वेरी बैड, ये इन्वेस्टर के लिए भी ठीक नहीं है, ये उस जो है वो एंटरप्रेन्योर जो है स्टार्टअप जो बिजनेस है उसके लिए भी ठीक नहीं है। इन्वेस्टमेंट कब रेज करनी चाहिए, जब आपने एक सक्सेसफुल बिजनेस मॉडल बनाया, ठीक है, वो भले बेसिक अभी स्टेज पर है, इनिशियल स्टेज पर है, उसको आपने मार्केट टेस्टिंग कर ली, आपने जो है वो कुछ ट्रांजेक्शन कर ली उसके साथ, आपने देख लिया कि हाँ मेरी टारगेट ऑडियंसेस क्या है, मेरा जो है वो परफेक्ट जो एक अच्छा प्रोडक्ट और अच्छा जो है या सर्विस जो है वो क्या है, और इन दोनों की इंटीग्रेशन से मैं कैसे प्रॉफिट कमा रहा हूँ। जब आपको बेसिक ये सवाल का जवाब मिल जाए कि सेगमेंटेड कस्टमर कौन सी है मेरी, मेरा प्रोडक्ट या सर्विस कौन सी है, और इन दोनों को इंटीग्रेट करके मैं प्रॉफिट किस तरीके से जनरेट कर रहा हूँ, जब ये बेसिक मॉडलिंग आपकी हो जाए, तब अगर आप जाओगे इन्वेस्टमेंट रेस करने, तब आपको वैल्यूएशन भी ज्यादा मिलेगी। लेट्स से अगर आप स्टार्टिंग फेज में, आइडिया फेज में जा रहे हो, तो आपको 1,00,000 रुपए जो है ना वो लेट्स से 1% के 1,00,000 रुपए मिल रहे हैं, लेकिन अगर आपने नंबर्स जनरेट कर लिए, आपने दिखा दिया, आपने आपको प्रूफ कर लिया विद नंबर्स, देन फिर अगर आप अपनी फंडिंग रेस करने जाओगे और वैल्यूएशन आप करवाओगे, तो आपको जो है मे बी 1% के 1,00,000 रुपए मिले हैं, ठीक है। तो इस तरीके से मैं समझता हूँ कि फंडिंग्स आपको जो है वो लेटर स्टेजेस में लेनी चाहिए, बिजनेस को ग्रो करने के लिए फंडिंग लेनी चाहिए, ना कि बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए, ठीक है। इसके लिए एमवीपी एक यूज होता है, मिनिमम वायबल प्रोडक्ट, ठीक है, वो आप क्रिएट करते हो, और इसके लिए ज्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं चाहिए होती, इसके लिए आपको लेट से 1,00,000 रुपए भी चाहिए तो क्या आप लोगों के पास बाइक नहीं है, क्या आपके पास अपनी बाइक है और आप अपने प्रोडक्ट पे क्या बिलीव नहीं करते, अगर अपने प्रोडक्ट को बिलीव करते हो भेज दो बाइक भाई, ठीक है, घर पे इतनी चीजें होती हैं, आप बेचो अपने प्रोडक्ट पे लगाओ, अगर आपको प्रोडक्ट नहीं है आप अपनी बाइक नहीं बेच सकते, आप बोलते हो इन्वेस्टर आएगा मैं उससे फिर इन्वेस्टमेंट कराऊंगा और मेरी बाइक जो है वो 1,00,000 रुपए की वो मैं नहीं बेचूंगा, तो इसका मतलब यार आपको अपने प्रोडक्ट पे बिलीव नहीं और आप बाकियों के से इन्वेस्टमेंट ले रहे हो इनिशियल स्टेज में। तो बिजनेस बिल्ड करते हुए इन्वेस्टमेंट नहीं लेते, बिजनेस ग्रो करने के लिए इन्वेस्टमेंट लेते हैं। अच्छा, ये बड़ा अच्छा सवाल है। देखिए, बिजनेस मॉडल बेसिकली तीन चीजों से बनता है, ठीक है, बिजनेस मॉडल में होता है कस्टमर, बिजनेस मॉडल में होता है प्रोडक्ट या सर्विस। दुनिया में देखिए दो चीजें बेची जा सकती हैं, इन दोनों चीजों के अलावा दुनिया में कुछ भी नहीं बेचा जा सकता, या तो वो प्रोडक्ट होगा या तो वो सर्विस होगी, इसके अलावा दुनिया में कोई चीज आप नहीं बेच सकते, ठीक है। थर्ड चीज जो बिजनेस मॉडल की होती है वो होती है प्रॉफिट, ठीक है, आपके पास ऑडियंस है जिसको कोई ना कोई नीड है और उस नीड को फुलफिल आपका प्रोडक्ट या आपकी सर्विस कर रहा है, इन दोनों की इंटीग्रेशन से अगर आप किसी तरीके से प्रॉफिट कमा लेते हैं, ये है बिजनेस मॉडल। जी, आपने सवाल पूछा कि क्लाइंट्स के रेड फ्लैग्स क्या हो, कि क्लाइंट से इनिशियल मीटिंग्स में ही हम पहचान लें कि क्या ये क्लाइंट लॉन्ग टर्म के लिए है नहीं है, क्या ये क्लाइंट जो है वो मुझे पेमेंट करेगा भी मेरे काम करने के बाद या नहीं करेगा। देखिए, ये सब फीलिंग्स कब आती है, मैं आपको आपको मैं जो है वो तुरंत बम बताता हूँ आपके ऊपर, ठीक है। देखिए, दो चीजें, अगर आप लोग एक अपनी सर्विसेज में कॉन्फिडेंट नहीं हो, ठीक है ना, एक दो चीजें याद रखिएगा, आप अपनी सर्विस में जो है ना वो कॉन्फिडेंट नहीं हो, या आपके पास जो है वो प्रॉपर सेल्स की जो है वो लीड्स नहीं है, ठीक है ना, तब क्लाइंट हमेशा अपर हैंड पे होगा, तब क्लाइंट हमेशा आपसे खेलेगा। आपके पास प्रॉपर ब्रांडिंग है अपनी कंपनी की, आपके पास प्रॉपर सेल्स एंड मार्केटिंग की टीम है, आपके पास कंटिन्यूस लीड जनरेशन हो रही है और कंटिन्यूस जो है वो आपके पास सेलिंग चल रही है, ठीक है ना, तब क्या होगा, आप अपर हैंड पे होगे, तब जो है वो आप जब कॉल पे बात करोगे ना किसी क्लाइंट से, आपको 2-3-4 जुमलों में ही उसके बारे में पता चल जाएगा कि ये कैसा क्लाइंट है और वो आपको डील करना है नहीं करना, ठीक है। ये एक्सपीरियंस से ही पता चलता है, चार तरीके के मैं समझता हूँ क्लाइंट्स होते हैं। एक आपके पास अमेजिंग कस्टमर होता है,
दूसरा ब्रेड विनिंग होता है, तीसरा जो है वो कन्वीनियंस होता है, चौथा होता है डेंजरस कस्टमर। डेंजरस कस्टमर अगर आपको पैसे भी देना कि यार मेरा काम करो, आप बोलो भाई थैंक यू सो मच, खुदा हाफिज, मुझे आपका काम नहीं करना। डेंजरस कस्टमर के साथ ये करना चाहिए, ठीक है। जो कन्वीनियंस कस्टमर है वो ये कि आता है तो आ जाए, उसके लिए आपको मार्केटिंग या सेल्स की एफर्ट नहीं करनी, आता है तो आ जाए। ब्रेड विनिंग कस्टमर ये होता है कि वो अच्छा कस्टमर होता है, अच्छा पे करता है, वो सवाल करता है बहुत, आपको थोड़ा बहुत तंग करता है, लेकिन ये है कि अच्छे पैसे कमा लेता है। अमेजिंग कस्टमर ये होता है कि यार जो बिल्कुल परफेक्ट होता है और जो है ना पैसे भी अच्छे पे कर रहा होता है और वो बार बार तंग करने वाला भी नहीं होता, वो सिर्फ देखता है कि हाँ भाई मंथ के एंड में हमारी इन चीजों के ऊपर हमारी एक मीटिंग होगी और फिर उस पे ऊपर ही वो फिर जज कर रहा होता है, ठीक है। तो कहने का मकसद ये है कि जो रेड फ्लैग्स हैं वो आपको एक्सपीरियंस से आएंगे पहली चीज, और उन रेड फ्लैग्स के साथ आपको उस क्लाइंट को लेना है नहीं लेना, और उसका अपर हैंड अगर आपको लेना है क्लाइंट के साथ तो उसके लिए आपकी सेल्स जो है वो स्ट्रांग होनी चाहिए। अच्छा देखिए, इसमें जो है ना वो हायरिंग से जो ज्यादा इंपॉर्टेंट, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है वो होता है जॉब रोल डिफाइन करना। अक्सर दफा देखिए गलती क्या करते हैं बिजनेस ओनर्स, वो जॉब रोल डिफाइन नहीं होता और वो बोलते हैं कि बस मुझे डिजिटल मार्केटर चाहिए, मुझे एडवर्टाइजर चाहिए, मुझे सेल्स कॉलिंग के लिए बंदा चाहिए। भाई सेल्स वाला बंदा कॉल आएगा, लेकिन उसका क्या सिस्टम बना हुआ है, उसको एग्जैक्टली आपको पता है कि वो आएगा तो पहला दिन क्या करेगा, दूसरा दिन क्या करेगा, तीसरा दिन क्या करेगा, उसके वीक के गोल्स क्या हैं, उसके मंथ के गोल्स क्या हैं, क्या आपने ये सब चीजें कहीं पर रिटर्न डाउन की हुई हैं, क्या आपने उसकी जेडी वेल डिफाइंड की हुई है। सबसे पहले हायरिंग में कहता हूँ हायरिंग सारी रोक दो, सबसे पहले हर पोजीशन की जो है वो आपको उसकी वो पता हो, जेडी पता हो, वेल डिफाइंड जेडी हो, ठीक है। अच्छा जब वो डिफाइंड हो जाती है आपको फिर पता चल जाता है अच्छा भाई ये इस तरह का मुझे बंदा चाहिए। अब जो जेडी के लिहाज से जो बंदा होता है, लेट्स से जेडी कहती है कि मुझे ग्रेजुएट बंदा चाहिए, तो आप हायरिंग की जो पोस्ट आप बनाएंगे उसके अंदर आप ग्रेजुएशन लिख देंगे। जेडी कहती है कि मास्टर्स वाला चाहिए इस फील्ड में, तो आप ये मेंशन कर देंगे। जेडी कहती है कि उसको माइक्रोसॉफ्ट जो है वो ऑफिस की जो है वो आनी चाहिए, तो वो आप मेंशन कर दोगे। तो जेडी के लिहाज से जब वेल डिफाइन हो जाएगी फिर आप हायरिंग की पोस्ट बनाते हो, ठीक है। हायरिंग की पोस्ट बन जाती है तो फिर आप क्या करते हो, डिफरेंट चैनल्स हैं, लिंक्डइन है, लिंक्डइन पे बहुत अच्छा रिस्पांस आता है डिजिटल साइड के, अगर हायरिंग्स करनी होती है तो। लेबर साइड ऑफ हायरिंग्स करनी होती है तो उसके लिए लिंक्डइन नहीं है, उसके लिए rosy.pk है और इस तरह से और भी हैं। फेसबुक ग्रुप्स बहुत ज्यादा हैं, उसमें लेबर टाइप के भी लोग आ सकते हैं। पर्सनल रेफरेंस में बोलता हूँ, इट्स वेरी वेरी गुड पर्सनल रेफरेंस डायरेक्ट, ये नहीं कि आपका कजन, फर्स्ट कजन या आपका भाई, इनको तो मैं कहता हूँ इनसे तो दूर से दूर भागो, ठीक है। पर्सनल रेफरल से मतलब मेरा ये है कि किसी एम्प्लॉय ने किसी को रेफर कर दिया, या आपके कजन ने किसी को रेफर कर दिया, ठीक है, आपके भाई ने किसी को रेफर कर दिया, ये रेफरल हायरिंग बहुत स्ट्रांग होती है, बहुत अच्छी होती है, ये इनके इनके एक एहसास होता है और ये लंबा चढ़ने वाली होती है। अगर डायरेक्टली आपने भाई को हायर कर लिया, कजन को हायर कर लिया, वहां पर आप उनके साथ जितने भी अच्छे उनको अप्रेजल दो, जितना भी उनको खुश रखो, वो खाला आपको आके बोलेंगे कि मेरे बेटे के साथ तो इसने ये किया, मेरे बेटे के साथ इसने ये किया वो किया, ठीक है। तो पर्सनल रेफरल्स से जो उससे दूर हटें, बाकी दूर के जो रेफरल्स हैं वो बहुत अच्छी हायरिंग होती हैं। लिंक्डइन मैंने आपको बताया, इस तरीके से rosy.pk, फेसबुक ग्रुप्स हैं, व्हाट्सएप पे भी आप स्टेटस डाल सकते हैं कि वहाँ भी काफी लोग देखते हैं, वहाँ पे भी रेफर कर लेते हैं। तो इस तरीके से आपने जो वो हायरिंग का पोस्ट बनाया उसको आप पहले वो फैलाते हो, ठीक है। इसमें फिर पेड एडवर्टाइजिंग भी होती है, आप गूगल एड और फेसबुक एड भी चलाते हो लोग हायर करने के लिए, कुछ कंपनीज ये भी करती हैं, और लिंक्डइन पे भी पेड एड्स जो है वो चल रहे होते हैं। बहरहाल यहाँ से फिर आपका सीवीज आती हैं, आपने जेडी डिफाइन की हुई है, उस लिहाज से आप सीवीज को सॉर्ट करते हो और फिर आप जो है वो उनसे इनिशियल इंटरव्यू लेते हो। इनिशियल इंटरव्यू में वो भी जो आपने स्टेप 4-5 सवाल बनाए होते हैं, आप उनकी इंग्लिश जज करते हो, आप जो भी बेसिक चीज़ें जो कॉल पर की जा सकती हैं, आप सैलरी एक्सपेक्टेशंस देखते हो कि आपके साथ मीट होती है नहीं हो रही, इस तरीके से आप उनका इनिशियल इंटरव्यू लेकर वहाँ से फिर स्क्रूटनाइज करते हो एंड देन फिर उनको इंटरव्यू बुलाते हो। इंटरव्यू पर बुलाते वक्त जो है ना आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो होती है ना वो होती है उनकी एथिकल वैल्यूज़ को जज करना। देखिए ट्रेनिंग कोई भी करवा कर किसी भी बंदे को एक टेक्निकल बंदा बना सकता है, लेकिन एथिकल वैल्यू वो घर से या माहौल से ही सीख के आएगा और वो लॉन्ग टर्म जर्नी होती है, वो आप यहाँ पर आकर सिखा भी चाहोगे नहीं सीख पाओगे क्योंकि अब उसकी एज भी बहुत ज़्यादा हो गई है। तो एथिकल वैल्यू सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जज करना, देन फिर आप उसकी टेक्निकल स्किल्स देखो, टेक्निकल नॉलेज देखो, एंड देन फिर आप उससे डिफरेंट सवाल होते हैं, बहुत सारे तरह के सवाल होते हैं, उससे आप जज कर लेते हो।